हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर टॉप 10 वीडियो। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 10 गैंगस्टर्स गेम्स बताने वाला हूँ फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड पीसी यूजर्स। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले फर्स्ट नंबर के गेम की तरफ, जिसका नाम है सेंट्स रो। सो गाइस एक थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर गेम आपको देखने के लिए मिलता है, एंड गाइस गेम में आपको एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ गेम में आपको एक एक्शन एडवेंचर एंड व्हीकुलर गेम प्ले एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड गाइस गेम मिशंस आर स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू सेपरेट मिशंस आर्क। एंड गाइस गेम में आपको अच्छी खासी कस्टमाइजेशन भी देखने के लिए मिल जाती है, एंड गेम में आपको 25 वेपन्स भी देखने के लिए मिलती है। नाइट स्टिक, नाइफ, बेसबॉल बैट, टायर आयरन, पिम्प स्लैप, पिस्टल, मैग्नम, डेजर्ट ईगल जैसी वेपन्स देखने के लिए मिलती हैं। सो गाइज अब बढ़ते हैं इसी के जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाले गेम की तरफ, वो भी एंड्रॉयड पर, जिसका नाम गैंगस्टर न्यू ओरलियंस। सो गाइज गेम का साइज आपको अराउंड 1 GB पड़ने वाला है, 0.96 MB, एंड गेम की रेटिंग आपको 4.4 देखने के लिए मिलती है। एंड गेम में आपको डीप कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ एक ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है। गेम में आपको अमेजिंग कार्स देखने के लिए मिलती हैं, जो कि गाइज रियली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। साथ ही साथ गाइस गेम में आपको माफिया वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जो कि फुल ऑफ गैंग्स, फाइट्स एंड क्राइम से भरा होता है। एंड गाइस गेम में आप अपना खुद का लग्जूरियस मैंशन को भी बिल्ड कर सकते हो। गाइस जो लोग सेंट्स रो को पीसी पर नहीं खेल सकते, गैंगस्टर न्यू ओरलियंस को एक बार जरूर से ट्राई करें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा सेंट्स रो जैसा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले थर्ड नंबर गेम की तरफ, जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2। सो गाइस ये गेम एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड गाइस गेम में आपको सिंगल प्लेयर मोड्स एंड मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों देखने के लिए मिलेंगे। गाइस गेम में हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक सोल्जर है, जो कि काफ़ी सारे एक्शन को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि जंप, स्प्रिंट, क्राउच, लेफ्ट। गाइस गेम में आपको असल्ट राइफल्स, शॉटगन्स, स्नाइपर राइफल्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं, एंड गेम में आपको 3 डिफरेंट मोड्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि चैंपियन, स्पेक ऑप्स, मल्टीप्लेयर। एंड गेम में आपको जॉन, कैप्टन प्रिंस, साइमन जनरल, शेफर्ड, डेविड मैंशन जैसे करेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। सो गाइस जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 को पीसी पर नहीं खेल सकते, उनके लिए मैं एंड्रॉयड पर ही लेकर आ चुका हूँ इसी की जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाला गेम, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 4। सो गाइस ये गेम का साइज आपको 2.2 GB देखने के लिए मिलेगा, एंड 4.2 की रेटिंग के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस गेम में आप अपनी वेपन्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ गाइस गेम में आपको इजी टू लर्न कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड गाइस ये गेम आपको टोटली ऑनलाइन देखने के लिए मिलने वाला है, एंड गेम में आपको अनलॉक एंड अर्न थाउजेंड्स ऑफ आयनिक ऑपरेशंस का फीचर भी देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ गाइस आप वेपन्स, आउटफिट्स, न्यू पीस ऑफ गियर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो गाइस जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 को पीसी पर नहीं खेल सकते, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 4 को एक बार जरूर से ट्राई करें, आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 जैसा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले फिफ्थ नंबर के गेम की तरफ, जिसका नाम है GTA 5। सो गाइस ये गेम एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव एंड थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव दोनों से खेले जाने वाला है, और एक एक्शन एडवेंचर गेम आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ गेम में आपको सिंगल प्लेयर मोड्स एंड मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों देखने के लिए मिलेंगे, एंड गेम में आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एंड गेम में हमारा प्लेयर यूज़ कर सकता है मिली अटैक्स, जैसे कि फायर आर्म्स, एंड में रन, जंप, स्विम और यूज़ व्हीकल टू नेविगेट वर्ल्ड। एंड गाइस गेम में हमारा प्लेयर परचेज कर सकता है प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि गराज, बिजनेस, एंड अपग्रेड वेपन्स एंड व्हीकल्स और कस्टमाइज आउटफिट्स, हेयर एंड टैटूज। एंड गेम में आपको शॉटगन, पिस्टल, एपी पिस्टल, असस्ट राइफल्स, सब मशीन्स गन, नाइफ, मिनी गन्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी गाइस आप लोग GTA 5 के बारे में जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये गेम है। तो गाइस जब बढ़ते हैं इसी के जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाले गेम की तरफ, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है साइबेरिका। सो गाइस ये गेम का साइज़ आपको 138 MB देखने के लिए मिलेगा, एंड गेम की रेटिंग आपको 4.3 देखने के लिए मिलती है। एंड गेम में आप अपने कैरेक्टर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इस गेम की कस्टमाइजेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी, एंड गेम में आपको एडवांस्ड कॉम्बैट सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस जो लोग GTA 5 को पीसी पर नहीं खेल सकते, साइबेरिका को एक बार जरूर से ट्राई करें, आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा GTA 5 जैसा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के आने वाले सेवन्थ नंबर गेम की तरफ, जिसका नाम है डेथ लूप। तो गाइस ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड गेम में आपको सिंगल प्लेयर मोड्स एंड मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों देखने के लिए मिलेंगे। एंड गाइस गेम में हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है कोल्ट। इस गेम में हर डे आपको 4 पीरियड्स में डिवाइडेड मिलेगा, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून और इवनिंग। एंड गेम में आपको PT6 स्पाइकर, स्ट्रीलैक, वर्सो, रैपियर जैसी वेपन्स देखने के लिए मिलेगी। गाइस अब पढ़ते हैं इसी के जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाला गेम, वो भी एंड्रॉयड पर, जिसका नाम है डेड टारगेट ऑफलाइन गेम।
सो गाइस इस गेम का साइज़ आपको 144 MB देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ 4.3 की रेटिंग के साथ ये गेम आपको देखने के लिए मिलता है। गेम में आपको 3D FPS वेपन्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही साथ गेम में आप अपनी गन्स स्नाइपर्स को भी अपग्रेड कर सकते हो एंड साथ ही साथ गेम आपको 3D शूटिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कराता है। एंड गाइस ये गेम आपको सिंपल एंड अट्रैक्टिव गेम प्ले प्रोवाइड कराएगा एंड साथ ही साथ गेम आपको कॉम्पेटिव लीडर बोर्ड और अडेप्टिव ज़ोंबी विद स्टनिंग ग्राफिक्स के साथ देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस जो लोग डेथ लूप को पीसी पर नहीं खेल सकते डेथ टारगेट ऑफलाइन गेम को एक बार जरूर से ट्राई करें, आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा डेथ लूप जैसा। सो गाइस जब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले 9th नंबर गेम की तरफ जिसका नाम है स्नाइपर गोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट 2। एक टैक्टिकल शूटर स्ट्रेंथ गेम आपको देखने के लिए मिलेगा एंड गेम में आपको सिंगल प्लेयर मोड्स एंड मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों देखने के लिए मिलेंगे एंड गेम में आपको 6 मिशंस देखने के लिए मिलने वाले हैं जो कि दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं लाइक क्लासिक एंड दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस। गाइस क्लासिक वाले में आपको एलिमिनेशन ऑफ टारगेट अप टू 400 मीटर्स देखने के लिए मिलता है, डिस्टेंस वाले में आपको एलिमिनेशन ऑफ टारगेट अप टू 1000 मीटर देखने के लिए मिलता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसी की जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाला गेम वो भी एंड्रॉइड पर है जिसका नाम है FPS ऑनलाइन स्ट्राइक। तो गाइस इस गेम का साइज आपको 103 MB देखने के लिए मिलेगा, 4.4 की रेटिंग के साथ आपको ये गेम देखने के लिए मिलेगा। ये गेम आपको इजीली प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा एंड ये एक क्लासिक वर्सेस FPS गेम देखने के लिए मिलेगा एंड साथ ही साथ गेम आपको टन्स ऑफ मॉडर्न गन्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। गेम में आपको अप टू 10 प्लेयर्स इन PvP एक्शन बैटल देखने के लिए मिलते हैं एंड ये एक पॉपुलर एक्शन गेम है। एंड गाइस गेम में आपको इजी एंड कंट्रोलेबल कॉम्बैट कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं एंड गाइस फॉर वीक डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट कस्टमाइजेशन इस गेम की देखने के लिए मिलती है। जो लोग स्नाइपर गोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट 2 को PC पर नहीं खेल सकते वो FPS ऑनलाइन स्ट्राइक को एक बार जरूर से ट्राई करें, आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा स्नाइपर गोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट 2 जैसा। ये थे टॉप 10 गैंगस्टर गेम्स। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।